हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में गाइज हम बात करेंगे द 100 सीरीज़ जो शुरू होने वाली है 1 तारीख से, 27 अगस्त तक चलने वाली है। काफ़ी इसका जो शेड्यूल है वो आ चुका है, प्लस स्क्वाड अनाउंसमेंट है वो भी आ चुका है। तो ये पहला जो है वीडियो, ये हम इसमें गाइज वेमेंस का जो स्क्वाड है उसको देखेंगे, कौन कौन से प्लेयर्स हैं आपको बताएंगे इसके बारे में। क्विक प्रीव्यू है, बेसिक प्रीव्यू है, स्क्वाड प्रीव्यू है, बाकी शेड्यूल मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो गाइस, यहाँ पर ओवरसीज़ प्लेयर्स आपको पता है काफ़ी सारे खेलते हैं, तो इंडिया की तरफ से भी 2 ओवरसीज़ प्लेयर हैं। पहला नाम है स्मृति मंदाना, टीम की वाइस कैप्टन, इंडिया टीम की। दूसरा नाम है हरमनप्रीत कौर, टीम की कैप्टन। ये 2 प्लेयर्स हैं गाइस जो हंड्रेड्स में खेल रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे कि बाकी के प्लेयर्स क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो भाई हर किसी प्लेयर को जो है एक NOC नाम का जो होता है BCCI जो देता है वो नहीं देता है, तो यहाँ पर हर कोई नहीं खेल सकता यहाँ। लेकिन आपको WBBL के अंदर कुछ प्लेयर्स जो है WBBL के अंदर देखेंगे खेलने को यहाँ पर हमारे वेमेंस टीम के। और अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले न्यूज़ के जो BCCI है वो प्लान कर रही है कि हर प्लेयर को, चाहे वो इसमें नेशनल टीम में सेलेक्ट हुआ हो या ना, या वो क्या कहते हैं रिटायर भी हो चुका हो, तो भी उसको NOC हम देंगे जिससे वो जाके बाहर की लीगों में खेल सके। कोई भी प्लेयर हो वो जाके खेल सकता है, तो ये अच्छी बात है अगर ऐसा होता है। तो मेरे हिसाब से मेंस वेमेंस दोनों के लिए ही होना चाहिए। तो जो हमारे वेमेंस टीम के प्लेयर हैं जिनको भाई 11 में जगह ही नहीं मिलती कभी, वो भी यहाँ पर जो है बाहर जाके खेल सकते हैं। तो यहाँ पर WBBL जो है मैं बता रहा था उसमें अभी भी ऑलमोस्ट 4 से 5 इंडियंस खेलते हैं। स्नेह राणा खेलती हैं, मतलब खेलेंगी अब इस बार, जैमी है ही, स्मृति मंदाना है ही, और हरमनप्रीत कौर है ही WBBL में। ये कौन सी टीम है, वो रेड कलर वाली उसमें है। तो कुछ इंडियंस हैं जो खेलते हैं WBBL में, और अभी जब इसका ड्राफ्ट आएगा तो और पता चल जाएगा हमें कि और कौन से प्लेयर्स जो हैं सेलेक्ट हुए हैं। बात करते हैं गाइस इसकी हंड्रेड्स की, तो आपको पता होगा मेंस वुमेंस में दोनों में ही 8 टीमें हैं जो कम्पीट करती हैं एक दूसरे के साथ, टोटल 8 टीम्स हैं। और यहाँ ये गाइस 100 फॉर्मेट है, 100 बॉल का होता है। T20 जनरली 120 बॉल का होता है, ये 100 बॉल का होता है, जहाँ पे आपको पता है एक बॉलर एक बार में 5 बॉल करा सकता है, इन टोटल 10 बॉल यहाँ पे करा सकता है। आपको ये सब रूल्स तो बेसिक है पता ही होंगे, अब 2-3 बार हो चुका है ये। तो बात करते हैं गाइस हम यहाँ की, देखो कहाँ पर होगा मैच। शुरुआत होगी ट्रेंट ब्रिज से लंदन में, यहाँ से गाइस लॉर्ड्स पे इसका फाइनल होगा 27 अगस्त को। यहाँ पे गाइस हम बात कर लेते हैं स्क्वाड की, तो देखो बर्मिंघम फोनिक्स की जो टीम है इसके गाइस ओवरसीज़ प्लेयर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। सोफी डिवाइन है, लेजेंड है, एमी जोन्स है इंग्लैंड की, एलिसे पेरी है लेजेंड है, आप सब जानते होंगे इसी वो होंगे इंग्लैंड की, बहुत कमाल की पेसर है। यहाँ पे हैना बेकर है, एवेलिन जोन्स है, केटी लेवेक है, स्पिनर है कमाल की, एमिली आलोट है, एरिन बर्न्स है ओवरसीज़ प्लेयर, अफ्ताह मकसूद गाइस बहुत बढ़िया प्लेयर है, स्पिनर है, डेविना पेरन, एबे फ्रीवॉन, कैरिस पेबली, स्टेरिक एलिस, ये भी गाइस अच्छी प्लेयर है, क्लो ब्यूर, ये गाइस सारे जो है इनका स्क्वाड है बर्मिंघम फोनिक्स का। लंदन स्प्रिट की बात करें, आपको गाइस इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, पहले स्क्वाड देख लो फिर बताना कि किस प्लेयर को देखने के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो। लंदन स्प्रिट की बात करें, ग्रेस हैरिस है, कमाल का भी WPL में परफॉर्मेंस दिया है, ओवरसीज़ प्लेयर है लंदन स्प्रिट की। उसके बाद हैदर नाइट है इंग्लैंड की जो स्किपर है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है अभी, आपने देखा होगा ODI वगैरह में। सारा ग्लेन है इंग्लैंड की पेसर स्पिनर है। एमिली अगर गाइज आप सब जानते ही होंगे ओवरसीज़ प्लेयर है, यहाँ से गाइज सोफी मुनरो है, सॉरी इनका नाम मुझे नीचे लिखना चाहिए था। चार्ली डीन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है, कमाल की प्लेयर है। सोफी लोपेज, डैनियल गिब्सन है, ऑलराउंडर की तरह खेलेंगी, यहाँ पर ओपनिंग कर सकती हैं। रिचा घोष, ग्रेस सेवेंस, ये भी ओपनिंग करेंगी मोस्टली। तारा नोरिस, लॉरेन फाइलर, नियाम होलैंड, क्लो हिल, एलिसे मोरगन, ये है गाइज लंदन स्प्रिट की जो टीम है उसका स्क्वाड। बात करते हैं नॉर्थन सुपर चार्जर्स की, तो केट क्रॉस है गाइज इंग्लैंड की प्लेयर है, इसमें एलिसे हीली है जिनको अभी भाई ये कल ही ODI में आउट करा था एलिसे हीली को केट क्रॉस ने, साथ में ही खेलेंगी। जॉर्जी अवरियम है, हैदर ग्राम है, एलिसे डेविडसन रिचर्ड है, यहाँ पे गाइज एलिसे डेविडसन जो है ऑलराउंडर है। लिंसे स्मिथ भी गाइज कमाल की प्लेयर है यार इसमें फ्रेंचाइजी क्रिकेट में। होली आर्मिटेज, ये भी ऑलराउंडर है, बेस्ट हीथ विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेंगी आपको। मैरी कैली, एलिश क्रेंस्टोन, फोबी फ्रैंकलिन, जॉर्जिया बॉयसी, ये भी अच्छी बैटर है जॉर्जिया बॉयसी, लूसी इगाम, ग्रेस बेलिंगर, ग्रेस हॉल, ये है गाइस यहाँ पर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स का स्क्वाड। बात करते हैं ओवल इनविंसिबल की स्क्वाड की, तो ये गाइस मेरी बहुत अच्छी फेवरेट टीम है बिकॉज इसमें कैप भी खेलती हैं मरीजाने कैप, और इसमें डैन वैन नियरिंग भी खेलती हैं, है ना, तो मेरी फेवरेट टीम है। इसमें गाइस सूजी बेट्स भी ऐड हो रही है तो और भी फेवरेट हो गई। यहाँ पर कैप्सी है, बहुत बढ़िया प्लेयर है आप जानते हो कि लॉरेन विनफील्ड है, मतलब बहुत ही अच्छी टीम है यार ये, तो मतलब किसी को भी टक्कर दे सकती है इनकी टीम। मैडी विलर्स है, कमाल की बैटिंग भी कर लेती हैं, बोलिंग तो करती हैं। पैगे स्कॉफील्ड है, ये ऑलराउंडर है। एवा ग्रे,
रियाना मैकडोनल्ड ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी यंग प्लेयर हैं। सोफिया स्मॉल है, कॉर्डिला ग्रिफिथ है, बेथ लैंगस्टन है, किरा चैटली है, क्लॉडिया कूपर है, ये है गाइस, लिजी स्कॉट भी इसमें है। ये है गाइस ओवल इनवेंसिबल का स्क्वाड कंप्लीट। सदर्न ब्रेव की बात करें, इनके पास देखो कौन है, डैनी वेट है, इंग्लैंड की प्लेयर, स्मृति मंदाना इसी टीम में, डैनी वेट ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आप जानते होंगे, और अभी से नहीं काफ़ी समय से बेस्ट फ्रेंड है। एनिया शुभचोल गाइज इंग्लैंड की लीडिंग विकेट टेकर है, क्या कमाल की बंदी है, अभी तो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुकी है लेकिन बहुत ही अच्छा बॉलिंग कराती है, विकेट टेकर है। क्लोड रॉयन ये गाइज साउथ अफ्रीकी प्लेयर है, आप जानते हो, बहुत बढ़िया प्लेयर है बैटिंग बॉलिंग दोनों से। मैटलिन ब्राउन ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है ओवरसीज, लॉरेन बेल के पास अच्छा खासा पेस है, माइया बाउचियर है, फ्रेया कैंप है इंग्लैंड की प्लेयर है, पेसर है, बैटिंग भी कर लेती हैं फ्रेया कैंप, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि फ्रेया कैंप बैटिंग भी कर लेती हैं और हंड्रेड्स में इन्होंने काफ़ी बार करके भी दिखाया है। जॉर्जी एडम्स गाइस बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, मतलब ये जितने भी प्लेयर हैं स्क्वाड में सदर्न ब्रेव के, इन सबसे ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है खेलने का, बैटिंग का बॉलिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सी कप खेलती हैं, RSTT ट्रॉफी खेलती हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। केली अमूरे हैं, रियाना साउथबे हैं, डैनियल जॉर्जरी हैं, सैरन स्मॉल है, यहाँ से एली एंडरसन है। ये है गाइज सदर्न ब्रेव का स्क्वाड, मैरी टेलर भी है इसमें। बात करते हैं ट्रेंट रॉकेट्स की, जिसमें है गाइज आप सबकी फेवरेट हरमनप्रीत कौर, हमारी इंडिया की कैप्टन कौर द थॉर, यहाँ पर गाइज नेट सीवर भी है। अब देखो मुंबई इंडियंस की पार्टनरशिप यहाँ पर आ गई, मुंबई इंडियंस में दोनों साथ में खेलती थी और अच्छी बात है कि भाई कैथरीन सीवर जो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुकी है वो यहाँ पर हमें खेलती हुई दिखेंगी और दोनों ही साथ में दिखेंगी, दोनों पार्टनर्स हैं, तो बहुत बढ़िया यार, मस्त सीरीज़ है। यहाँ पर गाइस सेम आप हमको देखने को मिलेगी मुंबई इंडियंस वाली पार्टनरशिप हरमनप्रीत कौर और नेट सीवर के बीच में। यहाँ पे गाइस एलेना किंग जैसे टैलेंट हैं, लिज ली लेजेंड है, मतलब इन स्टीव के पास देखो यहाँ पर कौर है, नेट सीवर है, ब्रंट है, लिज ली है, ये चार तो भाई बिल्कुल ही लेजेंड प्लेयर है, इनके पास एक्सपीरियंस अच्छे खासे सीनियर प्लेयर्स हैं। उसके बाद ब्रियोनी स्मिथ जैसे टैलेंटेड ऑलराउंडर है, क्रिस्टी जॉर्डन है, ग्रेस पॉट्स हैं, जो गार्डनर है, फ्रैन विल्सन है, एलेक्सा स्टोनहाउस है, नाओमी दत्तानी है जो कि एक बहुत अच्छी ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करती हैं, जोसी ग्रोव्स हैं, नताशा व्रेट हैं, यहाँ से कैसिडी मैकार्थी हैं। ये है गाइस पूरा आपका ट्रेंट रॉकेट्स का स्क्वाड। यहाँ से गाइस बात करते हैं वेल्श फायर के स्क्वाड की, वेल्श फायर के स्क्वाड में गाइस आपको इंग्लैंड की सोफिया डंकली दिखेंगी, स्पिनर हैं ये, बॉलिंग नहीं कराती है वैसे इतने शॉर्ट फॉर्मेट में, तो शबनम इस्माइल गाइस वर्ल्ड की फास्टेस्ट बॉलर है वेमेंस क्रिकेट के अंदर, लेजेंड है शबनम इस्माइल, आप जानते हो कि टैमी ब्यूमोंड गाइस बहुत अच्छी प्लेयर है, टेस्ट में डबल सेंचुरी करके आ रही है, वेल्श फायर के पास हैं ये। हेली मैथ्यूज तो गाइस स्किपर कूल मुंबई इंडियंस में थी हमारी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो लेजेंड है। जॉर्जिया एल्विस है, जैसा ऊपर जॉर्जिया एडम्स की आपको तारीफ करी थी सेम जॉर्जिया एल्विस भी बहुत अच्छी प्लेयर है। फ्रेया डेविस है जो कि लेफ्ट आर्म पेसर है, लॉरा हैरिस है ओवरसीज प्लेयर है, लॉरा हैरिस गाइस आप सभी जानते हो कि हर कोई जानता है कि कितनी बढ़िया हिटिंग करती है, जब भी आती है हिट करके ही जाती है, बहुत क्विकली हिट करती है। एलेक्स हार्डली है, स्पिनर है, बॉलर है इंग्लैंड की, क्लैरी निकोलस है, सारा प्राइस है, एमिली विंडसर है, एला मैकगॉन है, एलिसे ग्रिफिथ है, यहाँ पर गाइस जॉर्जिया डेविस है, केट कोपाक है। ये है गाइस इनका पूरा कंप्लीट स्क्वाड, कौन सी टीम का, वेल्श फायर का। बात करते हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल की, तो मैनचेस्टर ओरिजिनल में गाइस आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी इनका ओपन मार्केट है, यानी 10,000 यूरो इनके पास बचे हुए हैं, तो एक प्लेयर जो है इनके पास अभी आ सकता है अभी कुछ ही दिनों में, तो वो देखते हैं कौन सा प्लेयर होगा, आई होप कोई इंडियन हो, किसी को ले लो यार, जेमी एमी कोई ले लो, है ना, तो देखते हैं मज़ा आ जाएगा। मैनचेस्टर ओरिजिनल की बात करें, लॉरा वॉल्डार्ड है जो कि मैं तो कहता हूँ विमेंस क्रिकेट के अंदर अगर कोई सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर अगर मुझे लगती है तो लॉरा वॉल्डार्ड लगती है ना, कमाल की प्लेयर है भाई, ऑफ ड्राइव इनकी देख लो, कवर ड्राइव खेलती हैं, क्या ही प्लेयर है यार। सोफिया क्लिस्टन है, T20 फॉर्मेट की नंबर वन बॉलर है, सभी जानते होंगे आप। AJ वेलिंगटन है गाइज इनके पास ओवरसीज प्लेयर है, स्पिनर है कमाल की। डिएंड्रा डॉटन वर्ल्ड बॉस गाइज, अभी तो बॉलिंग कर नहीं रही और फॉर्म भी इस वजह से इतना अच्छा नहीं आ रहा है, और मेरे हिसाब से यार इनके साथ एक दो इंसिडेंट हुए हैं जिस वजह से इनकी परफॉर्मेंस जो है ना काफ़ी इफेक्ट हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यार ये 2-3 साल पुरानी वाली वर्ल्ड बॉस नहीं लग रही है मेरे को कुछ टाइम से, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, तो देखते हैं यार, आई होप कि बहुत अच्छा करें। लेकिन जब से इनके साथ एक कोई वेस्ट इंडीज़ नेशनल टीम में इनके पंगा हुआ था, फिर ये अभी कोई सीन इसका WPL में हुआ था जब इनको बिना बताए हटा दिया गया था कोई टेस्ट की वजह से जो कि ये देने वाली थी, लेकिन इनको डायरेक्ट नोटिफिकेशन गई कि आपको आप रहने ही दो, तो भाई वही है, मतलब कुछ इंसिडेंट हुए जिसके बाद से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है इफेक्ट करे प्लेयर को, नहीं तो यार वर्ल्ड बॉस है, बहुत फेवरेट प्लेयर है मेरी तो यार, बैटिंग बॉलिंग डेंजरस प्लेयर है। कैथरीन ब्राइस है, MLM है, इंग्लैंड की प्लेयर है, ऑलराउंडर है ये भी। केटी जॉर्ज, एली थ्रेकिल्ड, एमी कैम्पबेल ये विकेट कीपर है, एली थ्रेकिल्ड, फी मॉरिस, फोइबी ग्राम, एक मैंने आपको बताया ओपन मार्केट है, एक प्लेयर अभी ये ले सकते हैं, 10,000 यूरो इनके पास बचे हुए हैं। लिबर्टी पे मईका गौर है गाइज, ये
यूएई की प्लेयर है शायद, यूएई की प्लेयर है कि ये एक और कौन सी, हाँ शायद यार कंफर्म नहीं है, लेकिन कोई इमर्जिंग टीम की ही प्लेयर है और बहुत अच्छी प्लेयर है, पेसर है भाई, यंग प्लेयर है काफ़ी, लॉरा जैक्सन है इनके पास। तो ये था गाइस टीम्स का कंप्लीट स्क्वाड। बाकी जब सीरीज शुरू होगी यानी कि 1 अगस्त से, बहुत बढ़िया दिन आने शुरू हो रहे हैं फैंटेसी प्लेयर्स के लिए। मुझे तो हमेशा साल के एंड का ही इंतज़ार रहता है, हाफ फेस का जो अगस्त से शुरू होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर फरवरी तक, इनफैक्ट फरवरी तक फैंटेसी प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 100 मेंस वुमेंस का दोनों, पूरा 2 महीने ले जाता है। उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं बेस्ट सीरीज़ है गाइस बिग बैश लीग, वो आपको देखने को मिलती है यहाँ पर वुमेंस की भी और मेंस की भी। उसके बाद गाइस यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं, अभी तो 100 भी शुरू हो गया है ना 2 साल से 3 साल से, नहीं तो बिग बैश लीग और वो थी, तो बढ़िया मतलब सीरीज़ है यहाँ पर चलती हैं, और पूरा आपका नवंबर ये सॉरी फरवरी तक का टाइम बहुत अच्छा जाता है फैंटेसी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि क्वालिटी मैचेस होते हैं, जो फोकस करते हैं लोग वो अच्छा खासा कर लेते हैं यहाँ पर, जो नॉलेज लेते हैं, और हम नॉलेज देते हैं बराबर से, आपको लास्ट ईयर भी दी थी, इस ईयर भी आपको देंगे। तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको देखने के लिए आप एक्साइटेड हो, और एक चीज़ और बताइएगा, जो इनके पास ये मैनचेस्टर के पास एक 10,000 यूरो का एक स्लॉट बचा हुआ है, तो इसमें ये किस प्लेयर को यहाँ पर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज़।